कुशीनगर जनपद के तमकुही राज तहसील के अंतर्गत पिपरा कनक में नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ जामा मस्जिद चौक पर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए भारतीय अल्पसंख्यक महासभा भारत, मोमिन अंसार महासभा, खुदाई खिदमतगार मंच तथा विभिन्न दलों के लोगों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इस अवसर पर मोमिन अंसार सभा के कुशीनगर जिला महामंत्री आशिक अली ने कहा कि यह देश अब्दुल कलाम आजाद व चंद्रशेखर आजाद का है, किसी एक धर्म का नहीं है। इस तरह का विधेयक लाकर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, तब जाकर इस देश में अमन चैन कायम हो पाएगा और देश का विकास होगा। वहीं युवा समाज सेवी राजेश सिंह ने कहा कि यह विधेयक लाकर देश को कमजोर किया जा रहा है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई भी कानून पारित करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि यहाँ कोई भी कानून सर्व समाज के लिए लाभकारी है या नहीं, तभी फैसला होना चाहिए। आशिक अली हमारा नाम है और जनपद कुशीनगर का मोमिन अंसार सभा का मैं जिला महामंत्री। सर, आज इस कनक पेपर में जो है सीएबी और एनआरसी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, पूरे देश में सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने अमन पसंद और न्यायप्रिय हिंदू भाइयों को। जैसा कि आपके सामने भी मौजूद हैं हमारे राजेश सिंह भैया जी, जो यहाँ से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। अमन पसंद और न्यायप्रिय हिंदू भाई हमारे इस देश में हम लोगों से ज़्यादा जो है आंदोलित हैं इस नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ, और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है आसाम के राज्य में लगभग 3 लोग जो है इस विधेयक के खिलाफ जो है हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद हो गए हैं। हम उनको नमन और याद करते हुए कहना चाहते हैं कि ये भारत में आपसी बंधुत्व, भाईचारा, समानता और प्यार मोहब्बत को बांटने वाली विधेयक है, इसे हर हाल में वापस लिया जाए। यह पहला ऐसा विधेयक है कि जिससे जो है मुसलमान तो मुसलमान, सबसे ज़्यादा हिंदू बिरादरी के और हिंदू समाज के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसको वापस लिया जाए। पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, आपने बीच में देखा 370 और अयोध्या में अयोध्या का मामला आने वाला था, तो पूरे देश में सभी लोग, सभी शासन प्रशासन हमारे मुसलमान भाइयों को जगह जगह मीटिंग कराकर या मीटिंग करा रहे थे कि आप लोग शांति का परिचय दें। आप लोग हर जगह हम लोगों को शांति कराया जा रहा है और देश में ये सब लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारा तो सुबह आलमगीर भाई से बात हुई थी, मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ये सरकार हमारे मुसलमान भाइयों को जो वोट का अधिकार है वो भी अधिकार भी लेना चाहती है, और हम लोग इस देश में आपस में बैठकर मिलकर आपस में एक दूसरे के त्यौहार पर हम लोग खुशी मनाया करते थे, उस सबको ये हिंदू और मुस्लिम में लड़ाकर चूर चूर कराना चाहती है ये सरकार। हम इस सरकार से आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ये जो विधेयक नागरिक संशोधन विधेयक है इसे वापस लिया जाए, और जैसे हम सब लोग आपस में मिलजुल के रहते थे वैसे ही हम मिलजुल के रहें। इस उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को हम बार बार इसकी निंदा करते हैं, और ऐसी सरकार को एक मिनट रहने में, एक मिनट सत्ता पर रहने का इन लोगों का हक नहीं है। मिले धरना प्रदर्शन में सीएबी और एनआरसी के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं भारतीय अल्पसंख्यक महासभा का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, और पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार को संयुक्त राष्ट्र महासंघ से निर्देश जारी है, कानून बना हुआ है कि वहाँ की सरकारें वहाँ के अल्पसंख्यक की सुरक्षा करेगी और वहाँ उसके हितों की रक्षा करेगी। लेकिन यहाँ जो सरकार आई हुई है पिछले 6 साल से, जो सरकार यहाँ पर रह रही है, यहाँ ज़रूरत है भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने की, लोगों की सेवा करनी चाहिए। आज आप एक आधार पूरा नहीं बना पाए इस देश में और आप लगातार ऐसे ऐसे बिल पारित कर रहे हैं जो उसको पूरा करना इम्पॉसिबल है। जब आधार आदमी का नहीं बन पाया है तो वो एनआरसी रजिस्टर कहाँ से पूरा कर पाएगा? तो कुल मिला के ये देश को भटकाने की कोशिश हो रही है, और हम इस धर्म से संबंधित इस तरह का बिल जो है, जो धार्मिक भेदभाव पैदा करती है, उस बिल का हम जो विरोध करते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, बाशहरी, इज्जत बाइज्जत बाशहरी हैं और रहेंगे, और हम हिंदू मुसलमान सब मिल के साथ रहेंगे, और हम इसका विरोध कर रहे हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई भी विरोध कर रहे हैं। आज
देखिए आप जापान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, बांग्लादेश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री का दौरा रद्द हो गया, पूरे वर्ल्ड में भारत की भद्द पीट रही है, बेइज्जती हो रही है, भारत के संविधान खतरे में है और इस भारत के संविधान के ऊपर जो खतरा है मंडरा रहा है उस खतरे को समाप्त करने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर सीएबी के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।